दोस्तों नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। आज जिस वॉकमैन को मैंने रिव्यू के सेलेक्ट किया है वो है आइवा का स्टीरियो रेडियो कैसेट प्लेयर, मॉडल नंबर है TA123। और इसमें बहुत सारी खास बातें हैं दोस्तों, तो चलिए एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसके कंट्रोल्स को देख लेते हैं। कंट्रोल में प्ले, फास्ट फॉरवर्ड, रिवाइंड और स्टॉप, साथ में वॉल्यूम बटन है, वॉल्यूम रॉकर है। अब जो खास बातें हैं वो ये है दोस्तों, इसमें एक बैटरी इंडिकेटर है, रेडियोस और टेप सेलेक्टर स्विच है, एम एफएम और नॉर्मल कैसेट और क्रोम या मेटल कैसेट को सिलेक्ट करने वाला एक माइक्रो स्विच है। दोस्तों इसकी खास बात यह है कि इसमें एफएम जो है वो मोनो और स्टीरियो दोनों में चलता है। ये मैं बता नहीं सकता, ये आप सुनेंगे तब आपको पता चलेगा, क्योंकि ये सुन के ही पता लगने वाली चीज़ है। इसके अलावा इसमें एक कैपेसिटिव ट्यूनर है, साथ में ईयरफोन जैक है और एक सुपर बेस का माइक्रो स्विच दिया हुआ है, जिससे आप बेस को बढ़ा या घटा सकते हैं। इसके साथ में एक डिटेचेबल क्लिप भी दिया हुआ है, बेल्ट होल्डर जिसको बोलते हैं, और ये आप निकाल या लगा सकते हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से। इसके अलावा ये मेड इन जापान है दोस्तों, तो क्वालिटी की तो बिल्कुल चिंता करनी ही नहीं है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, जिसको मैं आपको अभी सुना के भी बताता हूँ। सबसे पहले इसमें सेल डालते हैं, इसमें पेंसिल बैटरी दो लगती है, इसको मैंने इसमें इंसर्ट कर दिया। अब इसमें ईयरफोन जैक का जो जगह है वहाँ पे मैंने अपने ऑक्स वाले केबल को डाल दिया है और अपने ब्लूटूथ स्पीकर को उससे कनेक्ट कर दिया है। ये देखिए एलईडी ग्लो हो रहा, मतलब ये प्ले हो रहा है। तो अभी इसमें एक कैसेट को प्ले करके देखते हैं कि आवाज़ कैसी है इसकी। बेस को बढ़ाते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अभी बेस को ऑफ किया मैंने, अभी बेस को ऑन किया। अभी आपको रेडियो सुनाता हूँ मैं। चैनल है, एफएम पे ट्राई करता हूँ, क्योंकि इसके लिए आपको ईयरफोन का जैक लगाना पड़ेगा जो एंटीना के जैसा एक्ट करता है। तो मैं देखता हूँ ये काम करता है कि नहीं करता है। अभी ईयरफोन पे तो काम करता ही है, लेकिन मैं आपको उससे सुना नहीं सकता हूँ, क्योंकि फिर एक्सटर्नल स्पीकर से आवाज़ ही नहीं आएगी। तो आइए दोस्तों फिर से कैसेट को प्ले करते हैं। तो आवाज़ को अगर आपको जज सही से करना है तो आप ईयरफोन का यूज़ करिए या हेडफोन का यूज़ करिए, तभी आप आवाज़ को अच्छे से समझ पाएंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। ऐसे ही वीडियोस को आगे भी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।